दोस्तों, अगर आप एक अकाउंटेंट हो और आपके ऊपर जिम्मेवारी आ गई है किसी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवाने की फाइनेंशियल ईयर 2021-22 की, जिसकी लास्ट डेट है 30 सितंबर 2022, ये डेट आगे एक्सटेंड होगी या नहीं होगी ये सारी बाद की बातें हैं। लेकिन एक फ्रेशर अकाउंटेंट के मन में थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा डर जरूर है, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि वो पहली बार टैक्स ऑडिट करवा रहा है। उसके माइंड में इस टाइप के क्वेश्चन है भी, मुझे टैक्स ऑडिट किस प्रकार से करवानी है, जब मैं सारा डाटा मेरा ये सीए के ऑफिस में लेके जाऊंगा तो सीए मुझसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, कौन कौन सी रिपोर्ट मुझसे मांगेगा, कौन कौन से वाउचर मेरे से मांगेगा, क्या क्या जानकारी मेरे से कलेक्ट करेगा, मुझे मेरी कंपनी का रिकॉर्ड किस प्रकार से तैयार रखना होगा। तो इस टाइप का डर एक फ्रेशर अकाउंटेंट के मन में होता है कब, जब वो पहली बार किसी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवा रहा हो तब। जब वो बाद में रूटीन में टैक्स ऑडिट करवाने लग जाते हैं तो कुछ उसको एक्सपीरियंस भी हो जाता है और थोड़ा डर है जो वो भी दूर हो जाता है। तो अगर आप एक फ्रेशर अकाउंटेंट हो और पहली बार आप किसी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवा रहे हो, तो इस वीडियो में हम आपको 10 ऐसे पॉइंट्स आपको बताएंगे। अगर आप उन 10 पॉइंट्स को फॉलो कर लेते हो तो आप अपना काम तो आसान कर ही लोगे, इसके साथ साथ आप सीए का भी काम है जो और ज़्यादा आसान कर दोगे टैक्स ऑडिट करवाते वक्त। तो दोस्तों, कौन कौन से हैं वो 10 पॉइंट्स, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करेंगे, क्योंकि कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आपको ऑनलाइन कलेक्ट करने होंगे और कुछ बेसिक रिकॉर्ड आप अपनी बुक्स अकाउंट्स में से आपको रेडी रखने पड़ेंगे। आपके पास सॉफ्टवेयर कोई सा भी हो सकता है, उसका कोई मैटर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई, नॉलेजेबल लगती है, तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर एक। सबसे पहले आपको क्या करना होगा भी, अगर आपकी कंपनी पहली बार टैक्स ऑडिट करवा रही है और आपकी कंपनी की शुरुआत फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से ही आपने स्टार्ट करी है, तो अगर आपके पास इससे पहले आपने बैलेंस शीट इंडिविजुअल बिना टैक्स ऑडिट की अगर बनवा रखी है, तो आपको सबसे पहले जो ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल का हो चाहे वो बैंक बैलेंस का हो, सबका रिकॉर्ड आपको ओपनिंग बैलेंस है जो जरूर मेंटेन कर लेना है। क्योंकि जैसी बात है भी, आपकी टैक्स ऑडिट फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से स्टार्ट हो रही है, लेकिन उससे पहले आपके पास टैक्स ऑडिट के दायरे में आपकी कंपनी नहीं आती थी, लेकिन इंडिविजुअली इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर फाइल होती होगी, उसके लिए आपको बैलेंस शीट भी जरूर बनी होगी, क्योंकि कुछ स्टॉक भी आपके पास बचा होगा, बैंक बैलेंस भी होगा, कैपिटल भी होंगे, सैंडरी डेप्टर्स भी होंगे, सैंडरी क्रेडिटर्स भी होंगे, कुछ आपके पास फिक्स असेट भी बची होगी। तो सबसे पहले जो 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस शीट था, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की जो बैलेंस शीट थी, उसको अपने पास में रखिए और उनका जितना भी ओपनिंग बैलेंस था, जो क्लोजिंग बचा हुआ था 31 मार्च 2021 का, तो उन सभी को आपको फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के अंदर वो सारे लेजर आपको चेक कर लेने हैं। वो सारे के सारे लेजर आपने क्रिएट कर लिए विद ओपनिंग बैलेंस के साथ। तो सबसे पहला तो आपको ये पॉइंट है जो क्लियर कर लेना है। उसके बाद में सेकंड काम आपका बचता है भी, एक फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि 31 मार्च 2022 तक आपकी कंपनी के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट्स हैं, सबके बैंक अकाउंट्स के स्टेटमेंट आपके पास होना चाहिए, और जो 31 मार्च 2022 के अंदर आपकी बैंक स्टेट के अंदर क्लोजिंग बैलेंस जो आ रहा है, वो बैलेंस आपकी बुक्स के साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, उसका रीज़न आपको लिखना पड़ेगा। हो रहा है तो बिल्कुल वेल एंड डन है, क्योंकि वो बैलेंस सीए आपसे बैंक की स्टेटमेंट जरूर वेरीफाई करेगा 31 मार्च की बैलेंस को देखने के लिए। कुछ आपको रिकनसल हो सकता है, रिकनसलेशन आपको भी करना पड़े, क्योंकि कुछ ऐसे हमारे जो चेक्स होते हैं जो हमने 31 मार्च को किसी सप्लायर्स को दिए होते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर बैंक में क्लियर होते हैं, तो उसकी वजह से आपका बुक्स का जो बैंक बैलेंस है और आपके जो स्टेटमेंट का जो बैंक बैलेंस है बैंक की, उसमें डिफरेंस हो सकता है। तो वो डिफरेंस आपको नोट करके रखना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन सी ऐसी अमाउंट्स का जो चेक है वो आपने तो 31 मार्च के अंदर ही अपनी बुक्स में एंट्री कर ली, बट वो बैंक के अंदर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर क्लियर हुए हैं, तो आपको बैंक स्टेटमेंट आपको जरूर वेरीफाई कर लेना है 31 मार्च 2022 के बैलेंस को। पॉइंट नंबर तीन, तीसरा पॉइंट ये कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट है भी, आपका जो कैश इन हैंड है वो साल के दौरान किसी भी डे के अंदर आपका माइनस में नहीं होना चाहिए। माइनस में नहीं होने का मतलब क्या क्या भी, आपका जो बैलेंस है वो 1/4/21 से लेके 31 मार्च 2022 के, यानी कि इन 365 दिनों के अंदर किसी भी दिन स्टॉक आपका सीआर साइड का नहीं होना चाहिए।
अब वो आपको पता कैसे चलेगा, जैसे ही आपने मैंने ये कि जैसे कि केस का ये लेज़र मैंने ओपन कर लिया और उसके बाद का आपके इस तरीके से स्टेटमेंट आपके सामने खुल जाएगी डेबिट और क्रेडिट की, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, F12 प्रेस करना है और लास्ट का वाला ऑप्शन आपको दिखेगा शो रनिंग बैलेंस, तो इसको आपको यस कर लेना है। जैसे हम इसको यस करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, हमारा डे टू डे का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो बिल्कुल साथ में रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये यहाँ से आपको ये चीज़ को वेरीफाई करना है, ये जो DR साइड आ रही है ये हमेशा DR ही रहना चाहिए, यहाँ पर किसी दिन भी आपका CR बैलेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि केस है जो नेगेटिव में एक दिन भी नहीं जानी चाहिए, इस बात को आपका जरूर ध्यान में रखना है। और उसके साथ साथ आपको अपने एक्सपेंसेस भी ध्यान में रखने हैं, भी कुछ ऐसे खर्चे हैं जो आपने 10,000 रुपये की ज़्यादा का खर्चा है और आपने वन टाइम उसको कैश पेमेंट कर रखी हो तो उसका वेरिफिकेशन आपको करना पड़ेगा, दो अलग अलग डेट के अंदर उसकी एंट्री करनी पड़ेगी, यानी कि वन डेज के अंदर आप 10,000 रुपये से या 10,000 से ज़्यादा की जो कैश का है वो आप पे नहीं कर सकते वन टाइम पे। दो अलग अलग एंट्रीज हो सकती है, दो अलग अलग डेट में हो सकती है, लेकिन 10,000 रुपये से ज़्यादा वन टाइम आपको कैश पेमेंट नहीं किया होना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर हम 4 की बात करते हैं, भी जो भी आपके सप्लायर्स हैं, यानी कि सप्लायर्स का मतलब भी ऐसी कंपनी जिससे आप प्रोडक्ट परचेज करते हो रीसेल पर्पज से, जो जो आपके सैलरी क्रेडिट रहे, उन कंपनी के साथ आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो वेरीफाई होना जरूरी है, क्योंकि जो भी आपका 31 मार्च 2022 का जो क्लोजिंग बैलेंस है आपके सप्लायर्स का, वो सप्लायर का बैलेंस उसकी बुक्स के साथ बिल्कुल मैच होना जरूरी है, तो उनकी स्टेटमेंट आप मंगवा के रख लीजिए, वो स्टेटमेंट भी वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी कंपनी होगी तो वो सारे रिकॉर्ड्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि सभी जिन जिन कंपनी से आपने प्रोडक्ट परचेज किए सभी के आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट अपने पास में रखिए, और क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप जरूर वेरीफाई कर लीजिए। तो हो सकता है बैंक की वजह से आपका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो थोड़ा सा मिसमैच हो सकता है, तो आपको उसको भी ध्यान में रखना हो, भी आपका बैलेंस कुछ अलग आ रहा है और आपके सप्लायर्स ने अपनी बुक्स में एंट्री कुछ अलग कर रखी है, तो उसको भी आपको सही करवाना पड़ेगा सिर्फ बैंक की एंट्री को छोड़ के। पॉइंट नंबर हम 5 की बात करते हैं, तो जो आपकी जो कैपिटल की जो डिडक्शन है, कैपिटल डिडक्शन का मतलब जैसा कि आपकी कंपनी के अंदर जो प्रोपराइटर है उस प्रोपराइटर के अंदर जितनी भी डिडक्शन ले रखी है, जैसे कि LIC करा रखी है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है, यानी कि जितनी हम इनकम टैक्स के अंदर हम छूट ले सकते हैं उन सभी की रिसिप्ट आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए प्रोपराइटर है और वो जिनकी LIC है, इंश्योरेंस है अलग अलग टाइप की अलग अलग कंपनियों के अंदर, तो सभी की रिसिप्ट जो भी आपने उनकी इंश्योरेंस की पॉलिसी को पे की है वो पे स्लिप आपके पास होनी चाहिए 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 की, क्योंकि जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल होगी तो वहाँ पे जो डिडक्शन ली जाएगी तो वो डिडक्शन के टाइम के आपके पास में वो रिसिप्ट होना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर हम 6 की बात करते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मेन डाटा हमारा सेल परचेज से, यानी कि आपको अपनी जो परचेज और जो सेल का रिकॉर्ड है वो आपको अपनी जो GSTR 3B और GSTR 1 हमने फाइल करी है उसके साथ आपको सेल है जो बिल्कुल मैच कर लेना है, और आपके जो परचेज का और ITC का जो रिकॉर्ड आपके पास आ रहा है वो आप अपने 2A 2B के साथ जरूर वेरीफाई कर लेना है, क्योंकि अगर आप 2A 2B के साथ वेरीफाई करोगे तो सबसे पहले तो आपको इस बात का पता चल जाएगा भी कोई इनवॉइस तो आपका मिस नहीं होगा। हो सकता है आपके 2A 2B के अंदर कुछ ऐसे इन्वॉइस हों जो आपने खर्चे किए हों लेकिन उसका आपने ITC नहीं लिया हो, लेकिन वो ITC आपका पोर्टल पे एक्सेस बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी पार्टी का कोई सप्लायर्स का इन्वॉइस मिस ना हो इसके लिए आपको 2A 2B जरूर वेरीफाई कर लेना है, और सेल को मैच करने के लिए आपकी GSTR 1 की जो टोटल सेल 12 मंथ की और 12 मंथ की जो GSTR 3B है उसको जरूर आपको वेरीफाई कर लेना है, तो इससे कि आपका सेल और परचेज का डाटा GSTR 9C के अंदर भी सही जाएगा। पॉइंट नंबर 7 की हम बात करें, तो आपका जो भी क्लोजिंग स्टॉक है क्लोजिंग स्टॉक को आपको एक बार जरूर देख लेना है भी कोई भी ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस के अंदर ना हो, तो इस बात को भी आपको जरूर वेरीफाई कर लेना है। कई बार हम स्टॉक को देखते नहीं है, कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो हमारा एक्सेस बोलता है और सेम प्रोडक्ट हमारा कुछ माइनस में बोलता है, क्योंकि हम स्टॉक आइटम अलग अलग नाम से क्रिएट कर लेते हैं, परचेज कुछ अलग की होती है, सेल हम किसी दूसरे स्टॉक में कर देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है स्टॉक हमारा माइनस में चला जाता है, तो आपका कोई भी स्टॉक आइटम माइनस में नहीं रहने चाहिए, इस बात को भी आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब उसके बाद बात आती है भी हमें ये तो था हमारा रिकॉर्ड है जो हमें बुक्स का ही तैयार करना है, यानी कि हमारे सॉफ्टवेयर में से ही हमें रिकॉर्ड को तैयार करके रखना है। उसके बाद बारी आएगी ऑनलाइन पोर्टल की, तो ऑनलाइन पोर्टल से हमें करना क्या होगा भी जो हमारी 20 TDS की रिपोर्ट है 26 हमें चेक करना है, भी जो हमारा जितना
TDS डिडक्ट हुआ है या फिर TCS डिडक्ट हुआ है वो हमारा पोर्टल पे शो हो रहा है नहीं हो रहा, और जो शो हो रहा है उसकी एंट्री हमने सॉफ्टवेयर में यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कर रखी है या नहीं कर रखी, उसका मैच आपको जरूर करना है। देन उसके बाद के अंदर आप अपनी जो रिपोर्ट हैं TIS AIS उसको भी आपको जरूर वेरीफाई करना होगा, क्योंकि कुछ एक ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो ऑनलाइन पोर्टल पे होते हैं लेकिन हमारे बुक्स में नहीं होते। तो आपका AIS TIS और 26AS का जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आपके बुक्स के साथ 100% एक्यूरेट मैच होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्योंकि TIS AIS के अंदर आपको कुछ इंटरेस्ट कैसे अमाउंट मिल जाएगी जो आपके पास बुक्स में नहीं होती, तो यानी कि आपके बुक्स के अंदर जो रिपोर्ट है जैसे कि इंटरेस्ट है आपके पास इंटरेस्ट बुक्स के अंदर शो कर रहे हैं 1000 रुपये का आपने इंटरेस्ट रिसीव किया है, लेकिन TIS AIS की रिपोर्ट के अंदर बोल रहे हैं 800 रुपये का, तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास बुक्स में ज़्यादा आ रहा है। लेकिन ऐसा ना हो भी TIS AIS के अंदर तो आ रहा हो 1500 रुपये का और आपने बुक्स में एंट्री कर रखी हो 1000 रुपये की, तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो आपको इस रिकॉर्ड का भी ध्यान में रखना है। TCS के लिए भी आपका जितना TCS किसी कंपनी ने डिडक्ट किया है किसी भी सर्कुलर पे, कि मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ पे किया हो, चाहे वो इंटरेस्ट पे है, चाहे वो कमीशन पे है, कॉन्ट्रैक्ट पे, किसी रूप में हो सकता है, तो वो एंट्री आपने पर्टिकुलर अपने बुक्स में करी है या नहीं करी उसका ध्यान में रखना है। उसके बाद TIS AIS आपको भी देख ही लेना है भी आपके बुक्स के साथ रिकॉर्ड आपको मैच कर लेना है। और उसके बाद के अंदर मेन सबसे बड़ा बात जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर हम लास्ट 10 की बात करते हैं, तो वो है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो का मतलब भी जितना अगर आपने लास्ट ईयर अभी तक आप अपना ग्रोस प्रॉफिट है या फिर नेट प्रॉफिट है वो आप किस हिसाब से कितने रेशियो के साथ आप मेंटेन करते हो, कितना प्रॉफिट का रेशियो आपके बुक्स के अंदर रहता है, आपके बिजनेस के अंदर रहता है अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको आप जरूर मेंटेन करना, क्योंकि अगर आपने एक बार मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया तो एवरेज नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से भी आपका उसी को एवरेज के अनुसार आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको इस बात को आप जरूर वेरीफाई कर लेने भी प्रॉफिट रेशियो आपको टैक्स ऑडिट के अंदर क्या दिखाना है, पहले क्या दिखाते थे और अब आपका टैक्स ऑडिट लास्ट ईयर के साथ और इस साल का जो ग्रोस प्रॉफिट का रेशियो और जो नेट प्रॉफिट का जो रेशियो है वो प्रॉपर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये आपको पॉइंट में ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ आपको अपना जो फिक्स्ड एसेट आपके पास है तो उस फिक्स्ड एसेट पे आपने जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो आपने रूल के अकॉर्डिंग किया है या नहीं किया, कम किया है ज़्यादा किया है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। यानी कि आपको जो भी आपने प्रॉपर्टी परचेज करी हुई है जिसको हम फिक्स्ड एसेट के रूप में बोलते हैं तो उसके ऊपर रूल के अकॉर्डिंग आपने कितने परसेंट का डेप्रिसिएशन क्लेम किया है, यानी कि वो भी आपको रूल के अकॉर्डिंग एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको क्लेम करना है, कम नहीं कर सकते ज़्यादा भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ थे हमारे बेसिक पॉइंट जो एक अकाउंटेंट को करने हैं। इस वीडियो में हमने CA क्या काम करेगा इसके ऊपर कोई भी डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक फ्रेशर अकाउंटेंट को ये सारा का सारा रिकॉर्ड तैयार करके रखना पड़ेगा CA के ऑफिस में जाने से पहले, अपने घर पे इसकी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। ये सारी तैयारी होगी तो CA का काम भी आसान और एक अकाउंटेंट का काम भी बहुत ही ज़्यादा आसान। तो दोस्तों आई होप कि इस वीडियो से जरूर आपको कुछ नॉलेज मिला है। वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी।